नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस रिपोर्ट में। और आज है 31 मई, मई का आज आखिरी तिथि है और आज के बाद जो है महीना ये खत्म। अगले महीने में जो है, जैसा कि आप सभी को मालूम है, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। जैसा कि हम बताएं, सबसे पहली चीज़ गर्मी की छुट्टी होने वाली है यूनिवर्सिटी की, जिसे कि रद्द कराई जाने की जो है बातें कही जा रही है। आपने जैसा कि थंबनेल पे पढ़ा, 2019-22 सेशन का परीक्षा फॉर्म और 2020-23 का प्रैक्टिकल परीक्षा और रिजल्ट। तो आज के इस वीडियो में जो हम इसी मुद्दों पर जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2020-23 सेशन वालों की परीक्षा हो चुकी है, तो प्रैक्टिकल परीक्षा जिनकी भी बची हुई है वो कब होने वाली है और उनके परिणाम कब घोषित हो सकते हैं। तो देखिए, कॉपी चेकिंग का कार्य जो है अगले महीने से शुरू करा दिया जाएगा और जब आपका कॉपी चेकिंग होगा उसी के दौरान जो है बीच में कॉलेजेस जो है अपना डेट निर्धारित करेगी प्रैक्टिकल परीक्षा का। तो अभी जो है 2020-23 सेशन वालों को पार्ट वन का जो परीक्षा हुआ है, उन सभी की जो परीक्षा की कॉपियां हैं उन सभी का कोडिंग चल रहा है। तो कोडिंग होने के बाद जो है चेकिंग का कार्य शुरू कराया जाता है। तो अभी फिलहाल कोडिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद जो है आगे अपडेट्स जो आप लोगों को मिलेंगी। और प्रैक्टिकल परीक्षा हर एक कॉलेज को इसी बीच ले लेनी चाहिए, क्योंकि जब रिजल्ट तैयार हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। हर कॉलेज अपने तरीके से जो है रिजल्ट बना करके अपने समय से भेजने लगती है, इसकी वजह से रिजल्ट में और देरी हो जाती है। तो ये तो रही पार्ट वन की जो है प्रैक्टिकल परीक्षा की बात। जिनके जिनके भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है, आप लोग अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी बना लीजिए और मार्केट से जो है प्रैक्टिकल वाला जो किताब खरीद लीजिए। अब हम बात करते हैं 2019-22 सेशन वालों के लिए, जिनके लिए कहा जा रहा है कि जून में जो इनका परीक्षा फॉर्म भराया जा सकता है। तो परीक्षा कब होगी? तो परीक्षा आप सभी की जो है जुलाई में हो सकती है शुरू, क्योंकि जून पूरा महीना लेके जाएगा परीक्षा फॉर्म भरवाने में ही। और जिन्होंने भी अपना अभी तक के पार्ट वन का मार्कशीट रिसीव नहीं किया है 2019-22 सेशन वाले, आप सभी ध्यान दें, अपने अपने कॉलेज जा करके मार्कशीट जरूर रिसीव कर ले छुट्टी होने से पहले। अब जो भी लोग बाहर हैं, मतलब बिहार स्टेट से बाहर हैं या कहीं दूर दराज के इलाकों में हैं, तो उन सभी का ये भी सवाल है कि क्या हम जब फॉर्म भराएगा तो जा करके अपना ले सकते हैं रिजल्ट? तो जी, आप उस टाइम भी अपना रिजल्ट ले सकते हैं, क्योंकि उस टाइम ओरिजिनल कॉपी आपको एक बार जो है परीक्षा फॉर्म के साथ अटैच करके हार्ड कॉपी के साथ कॉलेज में जमा करना होता है, इसलिए आप घबराइएगा नहीं। और एडमिशन की रही बात कि पार्ट टू में एडमिशन हमारा कब होगा, तो देखिए कुछ ऐसे कॉलेज जो कि बीच में एडमिशन्स ले लेती है, जैसे कि RDS कॉलेज, LS कॉलेज, MDDM कॉलेज, कुछ ऐसे कॉलेज जो कि बीच बीच में एडमिशन्स करा रही होती है पार्ट टू में, ठीक है। लेकिन फिर आपको घबराना नहीं है। मान लीजिए आप अपने कॉलेज नहीं जा पाए हैं, अपना फॉर्म नहीं डाल पाए हैं, एडमिशन फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो आपका जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा होगा आप उस टाइम भी अपना एडमिशन करा सकते हैं पार्ट टू के लिए। तो जिनके भी कॉलेजेस में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी आपका परीक्षा फॉर्म भरने का डेट घोषित होगा, तिथि घोषित होगा, आपको उसी टाइम अपना एडमिशन करा लेना रहेगा। और आपको जो है डरने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, हर एक रिपोर्ट अपडेट आप सभी को जो टाइम टू टाइम देते रहेंगे। अब इस बीच जो है कोई खबरें नहीं आ रही थी, इस वजह से हमने कोई खबर बनाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि कुछ लोगों को जो है थोड़ा दिक्कत हो जाता है खबर बनाने से, कहते हैं कि कोई खबर नहीं होता है तो आप न्यूज़ मत बनाया करिए। बट कोई बात नहीं, जब रिपोर्ट्स आती है तभी हम रिपोर्ट्स देते हैं, ऐसा हमारा जो शुरू से रहा है। बीच में कोई रिपोर्ट्स नहीं थी, इसलिए 2-3 दिन जो वीडियोस मैंने बनाई भी नहीं। और आप लोगों को यही अपडेट देना था कि आप सभी का जो अगले महीने से फॉर्म भराएगा, ठीक है, इसके लिए जो क्या क्या चीज़ें लगेंगी वो जैसे ही नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी तो आपको हम बता देंगे, इसलिए आप लोग निश्चिंत अपनी पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, क्वेश्चन बैंक लेना ना भूले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप PDF फॉर्मेट में क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। साथ ही साथ गेस्ट पेपर भी कुछ अवेलेबल है, वो भी आप PDF फॉर्मेट में परचेस कर सकते हो। जितने भी 2019-22 सेशन वाले आप सभी समझ गए होंगे, अपना क्वेश्चन बैंक, गेस्ट पेपर लेना ना भूले, उसी से तैयारी करना शुरू कर दे आप सभी, क्योंकि अब ज़्यादा समय अब जो है बचा नहीं है। तो आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।